चलिए और आप लोग को पूरा दिखाते हैं घर कैसा कर दिए रात हाथी। ये देखिए कुछ इस प्रकार किए हुए हैं। चाचा जी कहाँ पे सोए हुए थे चलिए दिखाते हैं। ये देखिए पूरा एकदम सीटा को पूरा बर्बाद कर दिया है ये, और ये रहा नहीं फरने का जैसा, इतना बर्बाद हो गया है तो और क्या बोल सकते। ये देखिए चाचा जी यहाँ पे सोए हुए थे और ये देखिए चाचा जी। अब दोस्तों हम लोग चाचा जी को ले लिए हैं और एम्बुलेंस आ गया है तो ले करके जा रहे हैं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं साईं सोलाशंकर स्वागत करता हूँ फिर से एक न्यू वीडियो में। सो दोस्तों अभी सुबह हो चुका है और अभी सुबह सुबह पता चला है दोस्तों हाथी आया हुआ है। तो हाथी हम लोग का गोतिया बोलते हैं, उसका घर में एक ठो घर गिरा दिया है तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है तो चलिए क्या चीज़ नुकसान हुआ है वहाँ हम भी देखते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं वहीं पे। हम आ गए दोस्तों अपना घर से यहाँ और चलिए दिखाते हैं आप लोग। ये मेरे चाचा हैं, मेरे गोतिया हम लोग इधर बोलते हैं, तो वहाँ पे खाना वाना खाते हैं और यहाँ पे सोने आ जाते हैं क्योंकि यहाँ खेती बाड़ी किए हैं ना तो यहीं पर इन लोग सोते हैं। चलिए और आप लोग को पूरा दिखाते हैं घर कैसा कर दिए रात हाथी। ये देखिए कुछ इस प्रकार किए हुए हैं, पूरा एकदम खराब हुआ है घर, इतना खराब हो गया है ना कि और क्या बोल सकते हैं, पूरा एकदम खत्म हो गया है। और एक चाचा जी का खाली चोट लगा हुआ है, नहीं तो सब अच्छे हैं। और इधर भी देखिए सब एकदम पूरा हम लोग को बर्बाद कर दिया है। और हाथी अभी इधर जंगल पे उठे हुए हैं तो अभी अगर होंगे तो दिखाएंगे बाद में जा करके। तो ये देखिए पूरा एकदम इतना बर्बाद हो गया है ना कि और क्या बोल सकते हैं, घर पूरा खत्म हो गया। क्योंकि चाचा जी बच गए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि चाचा जी नहीं रहते तो अभी बहुत ही खराब लगता हम लोग को भी। और ये देखिए चाचा जी अभी यहाँ सोए हुए हैं और उन लोग भी अभी हैं। ये देखिए चाची उन लोग भी हैं। चलिए ये देखिए चाचा जी को पूरा चोट लगा हुआ है लगता है ना चाचा जी, ठीक है। ये देखिए चाचा जी अच्छे तरह से हैं अभी, ठीक है ना आप। ये देखिए पूरा एकदम हाथी इतना एकदम काइट हाथी आया हुआ था। चलिए दो हाथी आया हुआ था दोस्तों तो हम लोग को पता नहीं चला, नहीं तो चाचा जी को नहीं आने देते यहाँ पे, लेकिन अचानक हाथी आ गया है आज क्या चाचा जी। हाँ तो ये देखिए चाचा जी को बहुत ही लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है ना। चलिए कमर में भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, माथे में भी लगा हुआ है। इनको ले जाएंगे अभी हॉस्पिटल थोड़ा देर तक, अभी गाड़ी बुलाए हुए है तो ये बाहर से दिखा दिए हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा अंदर दिखा देते हैं, चाचा जी कहाँ पे सोए हुए थे चलिए दिखाते हैं। ये देखिए पूरा एकदम सीटा को पूरा बर्बाद कर दिया है ये, और ये रहा नहीं फरने का जैसा, इतना बर्बाद हो गया है तो और क्या बोल सकते। ये देखिए चाचा जी यहाँ पे सोए हुए थे, अगर ये बांस नहीं होते तो चाचा जी का आज जान भी नहीं रहते हैं, यही बांस के चलते बच गए, चलिए अच्छा बात है। और ये देखिए एकदम खाटी पूरा टूट गया है, पूरा ये वाला गिर गया है, इसी में लगा होगा लगता है। और रात में हाथी आए हुए थे तो हम लोग उतना जान नहीं पाए, नहीं तो फिर यहाँ आ जाते। और चलिए और दिखाते हैं आप लोग को उधर, बहुत ही सारा नुकसान किए हुए हैं, खेती भी नुकसान किए हैं, चलिए खेती भी दिखाते हैं। चलिए इन लोग तो भैया इन लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं ना पूरा आया है हाथी। ये देखिए पूरा इधर एकदम खेत को पूरा नुकसान कर दिया है प्याज। अब मेरा खेत कैसा है, अपना भी खेत देखने जाएंगे प्याज खेत। चलिए ये देखिए इधर लहसुन भी लगाए हुए थे चाचा जी, पूरा ख़त्म कर दिए हैं, सब गिंज गांज दिए हैं, पूरा ख़त्म हो गया है, बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखते हैं क्या चीज़ होता है। चलिए आप लोग को तो सब दिखा दिए, अब रात में कब हाथी आएंगे, फिर तो हम लोग घर तरफ उधर चल जाएंगे तो फिर तो हम लोग का भी नुकसान हो जाएगा। मेरा खेत भी अब कैसा है वो भी देखने जाएंगे। चाचा जी को ऐसा हो गया है कि हम लोग को भी डर लगने लगा, कहा भैया इतना एकदम खराब हो गया है। चलिए दोस्तों हम लोग चाचा जी को ले लिए हैं और एम्बुलेंस आ गया है तो ले करके जा रहे हैं। चलिए चलिए जल्दी ले करके चलते हैं, बहुत ही बड़ा हादसा हो गया हम लोग को आज, और आज किधर हाथी आएंगे। चलिए बढ़िया से ले करके चलिए, ये देखिए यहाँ पे गड्ढा है, गिराना मत यार। हाँ हाँ गिराना मत, चलिए बढ़िया से बढ़िया से। हाँ पैर धरे हुए हैं, एक जन पकड़ा ले रखो कुकुर। हाँ हाँ चलिए, ये देखिए दोस्तों ऐसे ही गड़ा नाला में लेकर के जा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है ना, इसी के कारण एम्बुलेंस वहाँ नहीं गया, पूरा घर चलिए पहुँच गए। बहुत ही अच्छा हुआ कि एम्बुलेंस आ गया, चलिए अच्छा तरीके से कीजिए और ब्लॉन्ड घुराए घुराए
चलिए यहीं पे चाचा जी को लोड कर दिए और गाड़ी आप चलने लगी। चलिए आप चल जाएगी और भैया जा रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल, हम लोग नहीं जा रहे हैं। कहाँ भैया? चलिए ठीक है आप चल जाएगी। चलिए बच गया जान, बहुत ही अच्छा हुआ। कहाँ भैया? आज किधर आएगा हाथी? फिर आज नुकसान करेगा तू? रात में पता चले, रात में पता चले। चलिए सतर्क रहना होगा भैया हम लोग को, पूरा सतर्क रहना। चाचा जी को एम्बुलेंस में सुला दिए और हम इधर निकल गए अपना बाड़ी देखने। चलिए बाड़ी देख करके आते हैं क्योंकि हमारे बाड़ी भी नुकसान किए हुए हैं क्या, तो चलिए देख करके आते हैं। हम बाड़ी पहुंच गए हैं और ये देखिए कुछ नहीं हुआ है हम लोग का बाड़ी, कुछ नुकसान नहीं किए हाथी। चलिए बहुत ही अच्छा हुआ कि नुकसान नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग का मेहनत सब बेकार चल जाता क्योंकि यहाँ 4-5 दिन से पूरा एकदम यहाँ घास को निकाल रहे हैं, पूरा कुबाड़ करके अभी उधर रख रहे हैं। तब उधर भी बहुत ही सारा कोड़ना है, झींगा पोर करेला ये सब को भी कोड़ देना है क्योंकि उधर ज़्यादा गीला था इसीलिए नहीं कुड़ा रहा था, तो इधर निकाल रहे हैं। चलिए सबको निकालेंगे फिर उधर चल जाएंगे। तो चलिए हम लोग का कुछ नहीं कर दिया हाथी, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए खाली चाचा जी को वहाँ नुकसान किए हुए हैं और ये देखिए सूख भी गया है, फिर से पानी पटाना होगा। तो चलिए घर चलते हैं क्योंकि खाना भी खाना है, सुबह ही निकले हुए हैं और अभी उधर बाड़ी भी देखने आ गए हैं और वहाँ चाचा जी को देखने गए। तो चलिए घर चलते हैं। हम अपना बाड़ी से निकल गए हैं और यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं प्याज, दूसरा लोग लगाए हुए हैं हमारे गांव के, तो इधर से हाथी पार हुए हैं, इनका प्याज आए हैं और मेरा प्याज नहीं गए, इधर से निकल गए उधर जंगल साइड। चलिए अभी उधर जंगल में हाथी होंगे, अब कल किधर आएंगे, कल मेरा वाला प्याज जाएंगे तो फिर बहुत ही ख़राब है। चलिए चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे हाथी का भांज और कितना नुकसान किए हुए हैं प्याज, वो भी दिखाएंगे। ये देखिए इधर पूरा एकदम गींज दिए हैं, ये देखिए यही वाला है, इतना हाल नहीं है इसी के कारण पूरा एकदम यहाँ पैर का भांजा उतना नहीं है। चलिए अभी दिखाते हैं, ये देखिए, ये देखिए पूरा एकदम यहाँ सुता दिए हैं, ये देखिए इधर से आए हुए हैं एकदम पूरा, उधर से उधर का जंगल से उतरे और इधर का जंगल चढ़ गए हैं अभी। अब आज इधर उतरेंगे पता नहीं, चलिए रात में पता चलेगा। देखिए पूरा इधर नुकसान किया हुआ है, चलिए आप लोग को तो दिखा दिए, अब चलिए घर चलते हैं और खाना खाएंगे क्योंकि भूख भी लग रहा है। घर पहुंच गए, चलिए अब मुंह धोते हैं, होके आ गए, चलिए अब खाना खाते हैं। हम खाना खा लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए दोस्तों बाय बाय।